नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक और फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में सेशन है हमारा कमेंट शाला का, जिसमें आपके द्वारा छोड़े गए कमेंट्स के मैं यहां पर जवाब दूंगा जो भी आपने क्वेश्चन छोड़े हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज पाते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है गेमिंग वर्ल्ड गेमर्स की तरफ से। ये कहते हैं थ्री सिलेंडर इंजन 75 पीएस पावर 1 लीटर इंजन, कितनी लो पावर कार है ये? मुझे लगता है टाटा नैनो इससे रेस में हरा देगी इसे। तो ये दिया है इन्होंने पोलो 1 लीटर टेस्ट ड्राइव के ऊपर कमेंट। तो जी बता दूं कि कम तो पावर लगती है, हालांकि बड़ा इंजन मिलता था बाद में छोटा कर दिया वो इंजन, फिर भी कम तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन टाटा नैनो फिर भी नहीं हरा पाएगी इसे। अगला क्वेश्चन है आशुतोष सोलंकी जी का। ये कहते हैं TVS ने फिनिक्स 125 सीसी क्यों डिसकंटिन्यू कर दी? तो जी आशुतोष जी, वैसे तो इस पर पूरा एक वीडियो बन जाएगा, अगर आपको इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बना दूंगा। लेकिन फिनिक्स की उतनी सेल नहीं हो पानी थी जितनी TVS ने सोचा था जिस कंपटीशन में ये उतारी गई थी 125 सीसी, इसलिए TVS ने डिसकंटिन्यू कर दी। वो सोच रहा था कि हम 110 सीसी को ही बेच लेते हैं अगर 125 नहीं बिक पा रही है तो। अगला कमेंट है रवि माने जी का। ये बोलते हैं भाई एथेनॉल स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे बताओ फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स प्लीज़। तो भाई अभी थोड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर मैंने बताया है सारा ही जिस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है ये, तो अभी डेवलप होने दो पॉलिसीज़ को, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आने दीजिए, उसके बाद जब भी जो भी अपडेट होगी मैं उसको लेकर वीडियो बना दूंगा और आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है रोहित पंत जी का। ये बोलते हैं व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी आज तक लोलूला, हालांकि ये मेरे को एंड में समझ में नहीं आया क्या बोला इन्होंने। इन्होंने ये कमेंट किया है टाटा टिगोर जिसमें आग लग गई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो रोहित जी मैं बता दूं कि आज तक नहीं बनना है हमें, ये हमारे सेगमेंट में आता है, यानी कि हमारा जो कैटेगरी है चैनल की उसमें आता है, इसलिए मैंने सेफ्टी फीचर सेफ्टी रीजंस के हिसाब से बता दिया है ये। अगला क्वेश्चन है KMBS रिकॉर्ड्स का। ये बोलते हैं भाई मेरे पास भी है TVS विक्टर पर, इन्होंने कहा है, बट उसका बैटरी प्रॉब्लम हो गई 15,000 किलोमीटर पर ही। तो सर मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक साल के अंदर अंदर हुआ है तो आपको नई बैटरी मिल जाएगी सर्विस सेंटर से, आप जाकर वहां कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ की। अगर ये एक साल के बाद हुआ है तो सर आपको बैटरी खुद डलवानी पड़ेगी, और 5 एम्पियर की बैटरी है, लगभग 1150-1150 की बैटरी पड़ेगी अगर आप खुद डलवाते हैं तो, कुछ पुरानी बैटरी का भी कम हो जाएगा उसमें से। अगला कमेंट है श्याम ब्लॉक्स का, या श्याम ब्लॉक्स, आई डोंट थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ या नहीं। ये बोलते हैं 5 साल में ये बाइक खराब हो जाएगी पूरी की पूरी, करोजन लग चुका है TVS विक्टर पे इन्होंने लिखा है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें साइलेंसर पर लगा था, जो एग्जॉस्ट पाइप है उस पर लगा था, उस पर मैंने दोबारा भी वीडियो बनाया है, वो मेरा वारंटी में कंपनी ने चेंज कर दिया है। और बाइक को अगर आप केयर से रखेंगे तो इतनी जल्दी नहीं होती है, मेरी पुरानी बाइक अभी तक चल रही है घर में और उसे 10 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ मेंटेनेंस थोड़ा करना पड़ता है लेकिन चलती है। अगला कमेंट है नितिन कश्यप जी का। ये बोलते हैं सिंपल एक लाइन, बाइक चलानी नहीं आती। अब सर किसे नहीं आती, आपको या मुझे? अगर आप कह रहे हैं मुझे नहीं आती है तो आई थिंक मैं ट्रेनिंग लेने जाऊंगा, मैं ज़रूर सीखूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने सीख ली है। और ये अगला लास्ट कमेंट है राज डिजिटल सेंचोर का। ये बोलते हैं CB शाइन एंड शाइन SP पर वीडियो बना सकते हैं रिव्यू कंपैरिजन वीडियो। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों पर जल्द ही मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि जिनकी मैंने शाइन SP चलाई है उन्होंने अपनी शाइन SP सेल कर दी है, और शाइन अभी एक फ्रेंड के पास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपैरिजन वीडियो बना दूं दोनों का ही। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपके जो भी सवाल हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए और मैं हर संडे को कमेंट वाला सेशन में उनके जवाब देता रहूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप किसी भी वीडियो की अपडेट को मिस ना करें। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार।